इसमें मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 35 में, और हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इस बार वार्ड नंबर 35 से पार्षद की तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब नेताजी का कहना कि अगर सिंबल मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलता है तो जिसे भी सिंबल मिलेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। हमारी बहुत सारी बातें होंगी नेताजी से, चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ इनकी सोच को लेकर, कुछ विकास को लेकर, कुछ दीपावली और छठ आ गया उस पर इनके सोच को लेकर। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज के साथ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने। नमस्कार नेताजी, जो हमारा पहला सवाल है सर, अभी तो सवाल करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपने वार्ड की जनता को, प्रदेश की जनता को आप दीपावली और छठ की क्या बधाई देना चाहते हैं? प्रदेश की जनता और वार्ड की जनता को दिवाली की ढेर सारी बधाई। सब लोग मिलजुल कर दिवाली का पर्व मनाएं, छठ का पर्व मनाएं, यही संदेश है। बिल्कुल सर, जो हमारा सवाल है सर, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं कि मान लीजिए अगर हम पार्षद बन जाते हैं तो हमारा एक प्रतिनिधित्व बनेगा, एक हमारा वर्चस्व बनेगा। कुछ लोग इसलिए सोच चुनाव लड़ते हैं कि एक धनागमन का स्रोत बनेगा बेहतर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई पद मिल जाता तो एक मैं बेहतर सामाजिक सेवा कर सकूँगा, जनता का सेवा कर सकूँगा, एक विकास कर सकूँगा अपने वार्ड का। आपकी सोच क्या है सर? हमारी सोच सिर्फ जनता की सेवा करना है और कुछ नहीं। अभी आपको क्या लगता है सर, अभी आपका वार्ड कितना पिछड़ा है और विकास को लेकर आपकी क्या सोच है सर अपने वार्ड के लिए? पिछड़ा तो है, दिक्कत पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, तमाम रोडें नहीं बनी हुई हैं, तो अगर जनता ने सहयोग किया, साथ दिया, तो सारी सुविधाओं को सही कर दिया जाएगा। बहुत जगह सर ऐसे लोग भी होंगे जो पात्रता रखते हुए भी कहीं ना कहीं आवास से वंचित हैं, पेंशन से वंचित हैं, नालियों की समस्या होगी, उस पर आपका क्या? ये सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा हमारे द्वारा, अगर जनता मुझे चुनती है तो। नेताजी, आप सिंबल पे आपने अभी बताया कि अगर सिंबल मिलता तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं मिलता तो नहीं लड़ूंगा, तो क्या आप समर्थन करेंगे दूसरे? हाँ, समर्थन करेंगे, जिसको कमल मिलेगा। मुझे अगर मिलता है तो मैं लड़ूंगा, नहीं मिलता है तो नहीं लड़ूंगा। सर अभी बहुत ज़्यादा सवाल मैं नहीं करूँगा, अभी तो चुनाव होना बाकी, जनता तय करेगी क्या होना है क्या नहीं होना, वार्ड नंबर 35 की जनता तय करेगी। सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और उस हिसाब से देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, तो क्या कवायद आप लगा रहे हैं कि सिंबल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, प्रयास हमारा रहेगा, प्रयास कर रहा हूँ, मिलना ना मिलना। कुछ आश्वासन तो मिला होगा सर? नहीं, कोई आश्वासन नहीं अभी। कोई आश्वासन? मैं अपने काम के दम पर कोशिश कर रहा हूँ, मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, मिलता है तो लड़ूंगा, नहीं मिलता है तो नहीं लड़ूंगा। नहीं मिलता है तो आप समर्थन? समर्थन करेंगे। बड़ी अच्छी सोच है सर आपकी। आखिरी सवाल मैं आपसे सर ये करना चाहता हूँ, आप अपने वार्ड नंबर 35 की जनता से अपने चुनाव को लेकर आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? अपील यही है कि हमारे वार्ड की जनता हमको भारी मतों से विजयी बनाए, और मैं वादा करता हूँ कि नाली, आवास, पेंशन, रोड सब कुछ सही कर दूंगा। यानी जो भी विकास के कार्य हैं आप वो करेंगे? जी। बहुत कार्य ऐसे भी होते हैं सर जो धरातल पर नहीं आ पाते हैं, सरकार की बड़ी योजनाएं होती हैं लेकिन वो धरातल पर लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो उसे पहुंचाने का कार्य कोशिश किया जाएगा जी, उसको धरातल पर लाने के लिए, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन का रहेगा जी। ये हमारी बात हो रही थी संतोष सिंह जी से, जो एक वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी को, और ये बड़ी सुंदर बात है कि इन्होंने बड़ा ट्रांसपेरेंट से बात किया है कि अगर हमें टिकट मिलता तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं मिलता तो जिसे कमल का फूल मिलेगा उसका नेताजी समर्थन करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम एक व्यक्ति अगर खुल के बात करता है तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे प्रतिभा छुपे होते हैं, गुण छुपे होते हैं। अब ये सिंबल अगर मिलता है तो वार्ड नंबर 35 की जनता को तय करना है कि इन्हें पार्षद बनाना है कि नहीं बनाना है, और अगर सिंबल नहीं मिलेगा तो नेताजी वैसे भी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कमल के फूल का समर्थन करेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज, अगले जन्म के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं।